YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। एक बेहतरीन फार्मा कंपनी जो कि आपको स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, जिनके पास भी ये स्टॉक्स है, निश्चित रूप से काफी बेहतरीन ये मल्टीबैगर रिटर्न दिया इस स्टॉक्स ने। और निश्चित रूप से आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। काफी बेहतरीन, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं। जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन ना दिखे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करनी चाहिए। ये कंपनी है इपका लेबोरेटरीज, काफी बेहतरीन कंपनी है। देखिए बहुत पहले मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। अगर मार्केट कैप की बात करें, अभी 27,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, 0.36% का डिविडेंड यील्ड है, तो कोई खास डिविडेंड यील्ड है नहीं, क्योंकि जो कि ग्रोइंग स्टॉक्स होगा जिसमें ग्रोथ आपको दिखेगा उस स्टॉक्स के डिविडेंड यील्ड आपको अक्सर कम ही देखने मिलेंगे। अब ये कंपनी बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है फार्मास्यूटिकल्स का। देखिए और डिटेल में जानना हो तो कंपनी की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ipca.com। और यहाँ पर कंपनी के जैसे आप बिजनेस में जाइएगा तो बिजनेस सेगमेंट में यहाँ पर देखिए कंपनी APIs बनाती है, फॉर्मुलेशन बनाती है, ग्लोबल बिजनेस भी है कंपनी का, तो ग्लोबल बिजनेस को भी आप देख सकते हैं। मतलब बिजनेस के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट का रीच कहाँ तक है, क्या कंपनी मार्केट में मोनोपोली रखता है या मार्केट में कितना परसेंट मार्केट शेयर है कंपनी का, इन सभी चीजों को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 30% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 46.3% है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें, 0.06 डेट इक्विटी है, काफी कम है। देखिए डेट जो है निग्लिजिबल है। बात करें यहाँ पर 307 करोड़ का मात्र डेट है, जबकि रिजर्व 5000 करोड़ का है। और कंपनी ऐसे भी एक मिड कैप साइज कंपनी है, मिड कैप में भी थोड़ा बड़ी कंपनी है, तो काफी बेहतरीन है हर पैरामीटर्स पे कंपनी। अगर टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो सेल्स का ग्रोथ जो है 2010 में 1500 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 5300 करोड़ का। अगर बात करें नेट प्रॉफिट का, मतलब जो बॉटम लाइन यहाँ पर ग्रोथ है, देखिए 2010 में मात्र 205 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर के हो गया 2021 में 1140 करोड़ का। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ग्रोथ काफी जबरदस्त है। बैलेंस शीट की बात है, शेयर कैपिटल कंपनी के पास 25 करोड़ का है, जबकि रिजर्व जो है कंपनी के पास वो देखिए लगातार बढ़ा है, 5000 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व हो चुका है, जो कि 2010 में मात्र 840 करोड़ का हुआ करता था। अब डेट की बात करें तो डेट कंपनी यहाँ काफी रिड्यूस किया है। देखिए हाल फिलहाल के टाइम में जो पिछले इयर्स था उसमें देखिए 2020 में 500 करोड़ का था, जबकि अभी सितंबर 2021 में मात्र 300 करोड़ का डेट बचा है, तो डेट लगातार कंपनी डिक्रीज किया है। फ्री कैश फ्लो की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी लगातार कैश फ्लो जनरेट की है और कैश फ्लो बढ़ा भी है। वहीं नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो 2021 में काफी जबरदस्त रहा है और लगातार यहाँ पर कंपनी जो है नेट कैश फ्लो जनरेट करने में सफल रही है। उसके बाद इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें, प्रमोटर्स का यहाँ पर जो स्टेक है वो 46% लगभग कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पर 2021 में बढ़ा भी है। FIs का स्टेक लगातार बढ़ा हुआ है, DIs का स्टेक भी यहाँ पर बढ़ा है, मतलब यहाँ पर ओवरऑल पब्लिक का स्टेक घटा है और प्रमोटर्स भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ा है, FIs DIs भी बढ़ा है। मतलब देखिए कितनी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली ये कंपनियां हैं, जहाँ प्रमोटर्स भी थोड़े थोड़े स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIs DIs भी बढ़ा रहे हैं, और ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में हमारे पब्लिक स्टेक लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये काफी बेहतरीन कंपनी है। और बात करें यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट जो देने जा रही है, तो यहाँ पर देखिए स्प्लिट में जाएंगे, स्प्लिट में फेस वैल्यू जो नया होगा 1 होगा, जो पुराना फेस वैल्यू था वो 2 का था। अब यहाँ पर देखिए 10 जनवरी तक आपके पास शेयर है तभी आपको ये बोनस शेयर मिलेगा, तो ये लॉन्ग टर्म के पर्पस से जो हम शेयर लेते हैं उसमें बोनस और स्टॉक स्प्लिट हमें खुद ब खुद मिलता है, बस हमें अच्छे शेयर को चूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम शेयर प्राइस के चार्ट पा गए, टेक्निकल एनालिसिस भी करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पे बाय करते हैं। तो यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ये ट्रेंड लाइन एक रेसिस्टेंस लाइन आया था जिसको ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर हर डीप पे आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस रखना है वो 1950 रुपये के नीचे रखना है क्लोजिंग बेसिस, 1950 के नीचे क्लोज होना होता है लगातार, मतलब कई दिनों तक क्लोज होता है, तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर किसी भी डिप पर या करेंट प्राइस पर अगर आप बाय करते हैं। और यहां पर सबसे जो पहला टारगेट होगा हमारा वो होगा 2760 रुपये का, तो काफ़ी अच्छा यहां पर रिस्क और रिवार्ड रेशियो है, तो आप चाहे तो अभी भी बाय कर सकते हैं, अभी भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर स्टॉक्स मिल रहा है।
अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स किस तरह से मूव किया है। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो स्टॉक्स देखिए थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ओवरऑल चार्ट जो है काफी बुलिश है। हमेशा प्रीवियस लो को इस स्टॉक्स ने ब्रेक नहीं किया है तो चार्ट काफी सॉलिड है। 2020 का जो गिरावट था वहां से काफी ज्यादा मूव किया इस स्टॉक। अब देखिए चार्ट जितना हम पीछे जाए देखिए चार्ट काफी सॉलिड रहा है, तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। किसी भी गिरावट में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 2017 में ही ये स्टॉक्स ने अपना लो बनाया था, यहाँ पर मात्र 400 रुपए में स्टॉक्स मिल रहा था, वहां से देखिए ये लगभग 2800 तक जा चुका है। तो काफी जबरदस्त स्टॉक है, चार्ट भी काफी सॉलिड है, किसी भी गिरावट में आप बाय कर सकते हैं। जैसे अभी ये स्टॉक्स मिल रहा है काफी सस्ते प्राइस मिल रहा है, तो अभी भी आप करेंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं या किसी भी डिप आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफी जबरदस्त स्टॉक्स है और स्टॉक स्प्लिट भी देने जा रहा है, जिनके पास भी है ये शेयर तो निश्चित रूप से होल्ड कीजिए। और जैसे ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब ये 1800 के नीचे क्लोज होना शुरू होगा, तब ये स्टॉक्स बेयरिश हो जाएगा। अदरवाइज जब तक ये 1800 के ऊपर है तब तक ये स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो निश्चित रूप से होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।